इट इज करेक्ट। ओके करेक्ट। सरिका, प्लीज इफ यू हैव रिटन फॉर्मूला प्लीज टेल मी। ओके सर, द फ्यूचर सिंपल फॉर्मूला इज सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटिंक्शन। ओके लेडीज, लेट्स डू वन थिंग, लेट्स रीस्टार्ट। सो आई एम एंड इन दिस प्रिटेंस हैव आई गिवन यू सारिका इन दिस प्रिटेंस। यस सर, यू हैव ऑलरेडी गिवन। ओके, अभी हम इन सब से भी प्रयोग करवाएंगे। पहले ओके अपन सर, फॉर्मूले की ओर चलते हैं। पूनम, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ फ्यूचर? सर द स्पेलिंग ऑफ फ्यूचर इज FUTURE। थैंक यू। रितु, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ सिंपल? द स्पेलिंग ऑफ सिंपल इज SIMPLE। थैंक यू। रेनु, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ टेंस? रेनु यू आर म्यूट। द सॉरी द स्पेलिंग ऑफ टेंस शुड बी TNSE। थैंक यू। सरिका, व्हाट शुड बी द फर्स्ट पॉइंट? सर द फर्स्ट पॉइंट शुड बी द आइडेंटिफिकेशन। पूनम, व्हाट शुड बी द स्पेलिंग ऑफ आइडेंटिफिकेशन? द स्पेलिंग ऑफ आइडेंटिफिकेशन इज IDENTIFICATION। थैंक यू। रितु, व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ आइडेंटिफिकेशन? द हिंदी मीनिंग ऑफ आइडेंटिफिकेशन इज पहचान। थैंक यू। पूनम, व्हाट शुड बी द आइडेंटिफिकेशन? फॉर फ्यूचर सर, ऑफ फ्यूचर सिंपल टेंस। हाँ, आइडेंटिफिकेशन फॉर फ्यूचर टेंस इज एनीथिंग वी विल डू इन फ्यूचर, करेगा, पड़ेगी, पड़ेगा, दूंगा, दूंगी। थैंक यू, थैंक यू पूनम। म्यूट योर सेल्फ। पूनम, अब सुनना रेनू को। आई विल आस्क द सेम क्वेश्चन and Renu will give answer with a proper process, so please listen. Renu, what should be the identification? You are mute. Oh, today I was forgetting again and again, sorry. The identification should be khayega, jayega, khayegi, piyenge. Yes, हम कुछ भी लिख सकते हैं, तो यही लिख देते हैं। खाएगी। अब रेनु, आप मेरा वाला सवाल पूनम से करें उनको अभ्यास कराने के लिए, फिर पूनम रितु से, रितु सारिका से, सेम क्वेश्चन। ओके पूनम, व्हाट शुड बी द आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्यूचर सिंपल टेंस? Well, Renu, the identification for simple future tense should be karega, karegi, khayega, piyega. Okay. Ask. Ritu, what should be the identification of simple future tense? The identification of simple future tense should be jayega, khayegi, piyenge, so on. Sarika, what should be the identification of future simple tense? The identification of future simple tense is jayega, khayegi, piyenge, and so on. Sir, all are done. Dosto, Poonam ke chalte ek baar hum isko dohra dete hain. Jayega ek purush ke liye prayog kiya jane wala sanket hai. Khayegi ek stri ke liye प्रयोग किया जाने वाला संकेत है। पिएंगे एक से ज्यादा लोगों के लिए संकेत किया जाने वाला शब्द है। और सुआन आखिरी में थोड़ा सा छोटा सा लिखा है। पूनम, आप चाहे तो अपनी स्क्रीन को जूम करके अगर कुछ भी ना समझ में आए देख सकते हैं, आप कितना भी जूम कर सकते हैं अपनी स्क्रीन। हम आपको एक तरीका बताते हैं, आप इस स्क्रीन पर डबल टैप करेंगे, आपने हमें पिन किया होगा,
अगर आपने हमें पिन नहीं किया होगा तो आपको चौड़ाई नहीं मिलेगी। पिन करने के लिए भी आप डबल टैप करें तो वो बड़ा हो जाएगा और यहाँ चार लोग दिखाई दे देंगे। एज आई एम वॉचिंग हियर रेनो देन सारिका पूनम एंड रितु एंड वन गर्ल फ्रॉम द जूनियर बैच इज आल्सो हियर बट शी विल नॉट बी स्पीकिंग एनीथिंग, शी विल बी लिसनिंग ओनली। तो सो ऑन का तात्पर्य यह है, सो ऑन एटसेट्रा के स्थान पर प्रयोग होने वाला शब्द है पूनम। प्राचीन काल में हम लोग एटसेट्रा एटसेट्रा यूज करते थे, आजकल आप टीवी में देखिएगा सो ऑन का प्रयोग बहुत ज्यादा है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग सो ऑन। अब हम आगे बढ़ते हैं सरिता से अगला सवाल। सरिता, व्हाट शुड बी द सेकेंड पॉइंट? सर, द सेकेंड पॉइंट शुड बी द फॉर्मूला। थैंक यू सारिका, हिंदी भी एक बार करते हैं। सारिका, दूसरा बिंदु क्या होना चाहिए? सर, दूसरा बिंदु फॉर्मूला होना चाहिए। अब तुम अगला सवाल रेनू से कर लोगी? जी सर। ओके रेनू भाभी, व्हाट शुड बी द सेकेंड पॉइंट? The second point should be the formula. The अगला बिंदु क्या होना चाहिए? अगला बिंदु सूत्र होना चाहिए। अब रेनु, जो अगला सवाल हम करते हैं वो रितु से कर लो। ओके रितु, व्हाट शुड बी द फॉर्मूला फॉर फ्यूचर सिंपल टेंस? द फॉर्मूला शुड बी द फॉर्मूला फॉर फ्यूचर सिंपल टेंस शुड बी subject plus will plus v1 plus object plus extension. Thank you. I want to say one thing to you ladies. जब हमने यहाँ heading लिख दी है तो हमें बार बार इसका नाम लेने की अब आवश्यकता नहीं होती, because we are talking about this. So Renu, without using this word, please repeat your question to Poonam, not to Renu. Okay. Poonam, what should be the formula for... What should be the next step? Sir, can I? Yes, you can. Poonam, what should be the formula? Ritu, the formula should be subject plus will plus v1, first form of verb, plus object plus extension. Poonam, agla point kya, formula kya hona chahiye? Ritu, formula subject plus will plus verb ka first form plus object plus extension hona chahiye. पूनम, इसी सवाल को आप एक बार ऋतु से करें। ऋतु, व्हाट शुड बी द फॉर्मूला? द फॉर्मूला शुड बी सब्जेक्ट प्लस विल प्लस v1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। ऋतु, सूत्र क्या होना चाहिए? सूत्र होना चाहिए क्रिया प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। सॉरी रितु, रितु ये सब रिकॉर्ड हो रहा है तुम सुनना। सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट को विषय बोलेंगे सर, वर्ब बोल क्रिया बोल दिया था ना जो स्टार्टिंग सब्जेक्ट। हाँ अरे हाँ, बहुत अच्छी बात हुई। एक मिनट रुकना है रितु, यहाँ पे पूनम सब्जेक्ट को विषय नहीं बोलेंगे, ये अंग्रेजी की व्याकरण का सब्जेक्ट है, इसका अर्थ होता है कर्ता। कर्ता यहाँ पे सब्जेक्ट का अर्थ कर्ता है, विषय नहीं। ये भी अच्छा हुआ, दिस इज गुड। चलो लीव इट, नो प्रॉब्लम। चलिए अच्छा हुआ इस पर पुनः चर्चा हो गई लेडीज। तो आप भले ही दोस्तों हम स्पोकन इंग्लिश वाले हैं और स्पोकन में कुछ भी करें, लेकिन राइटिंग में हमें शायरी का
थोड़ा सा चर्चा करना जरूरी है। राइटिंग में हम शैल लिखेंगे, देखिए हमने लिख दिया है, तो अब हम इसको शुड में नहीं पूछ रहे क्योंकि सामने है। आई विल आस्क सारिका, सारिका विल आस्क एंड द टोटल राउंड विल गो ऑन। सारिका, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फ्यूचर सिंपल टेंस? सर, द फॉर्मूला ऑफ फ्यूचर सिंपल टेंस इज सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। रेनू भाभी, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फ्यूचर सिंपल टेंस? द फॉर्मूला ऑफ फ्यूचर सिंपल टेंस इज सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। ओके रितु, व्हाट इज द फॉर्मूला? The formula is subject plus shall oblique will plus V1 plus object plus extension. Poonam, what is the formula? Ritu, the formula is subject plus shall oblique will plus V1 plus object plus extension. Sir, all are done. Thank you. Ladies, you were telling me that you have got some sentences. So yes. I'm starting yes, with Sarika. And do you know, guys, why I start with Sarika? Because she has made everything up to date. And see, there is no problem. If you up to date everything, it is for your ease. It is not for me. It is for your ease, E-A-S-E, ease. वो आपकी आसानी के लिए, मेरे लिए। So, Sarika, what is the first sentence, please? Sir, the first sentence is, I will come to you tomorrow. Okay. Complete the process. Okay, sir. दैट इज मैं कल तुम्हारे यहाँ आऊंगी। अभी जो बाद में जो लोग जुड़े हैं वो इस बात को जरा ध्यान से देखें। हम जो वाक्य देते हैं लेडीज, वो बिल्कुल हमारी बोलचाल की भाषा के होते हैं। ये हमारी कोशिश रहती है, मैं कल तुम्हारे यहाँ आऊंगी, क्या तुम मेरे यहाँ आओगे। तो ध्यान से देखें, इस हिंदी वाक्य में हम गलत हिंदी बोलते हैं। मेरा यहाँ कहाँ है, तुम्हारा यहाँ कहाँ है, राइट? लेकिन हम बोलते हैं तुम मेरे यहाँ आ जाना, मैं तुम्हारे आऊंगा, ब्ला ब्ला। तो हम उसी तरह उसी तर्ज पे देते हैं और इसको इंग्लिश में कितने खूबसूरती से बोल दिया जाता है। अब चूंकि ये वाक्य हमने दे दिए है तो हम पुनः नहीं बनवाएंगे, आप इसका एक अभ्यास कर लीजिए। रेनू, हैव यू रिटन अनदर सेंटेंस? यस सर, आई हैव रिटन अनदर सेंटेंस। Please, can you tell me the second sentence? Yes, sir. The second sentence is, will you come to me tomorrow? हाँ, अब हम इसको प्रश्नोत्तर के रूप में कर लेते हैं। और हमारे जुबान पे वो जो घर शब्द रखा हुआ है, हम हर जगह हाउस या होम लगाने के चक्कर में ग्रामर को बिगाड़ लेते हैं, उससे ये आपको मुक्ति देगा। तो रेनू, आपका माइक ऑन है, आप ये सवाल सारिका से कीजिए, सारिका रितु से, रितु पूनम से, पूनम आपसे। Meanwhile, I'm going to take charge. Okay. Sarika, will you come to me tomorrow? Yes, Bhabhi, I will come to you tomorrow. Kya aap mere yahan aayenge? Kya kal aap mere yahan aayenge? Haan, Bhabhi, main kal aapke yahan aaungi. Rituji, will you come to me tomorrow? Yes, Sarika, I will come to you tomorrow. जी, क्या कल आप मेरे यहाँ आएंगी? हाँ सारिका, कल मैं आपके यहाँ आऊंगी। पूनम, विल यू कम टू मी टुमारो? यस रितु, आई विल कम टू यू टुमारो। पूनम, कल क्या आप मेरे यहाँ आएंगी? हाँ रितु, कल मैं आपके यहाँ आऊंगी। हु आई हैव टू आस्क सर? रेनू भाभी। Renu, will you come to me tomorrow?
Yes, I will come to you tomorrow. रेनू कल क्या तुम मेरे यहाँ आओगी? हाँ मैं कल आपके यहाँ आऊंगी. ओके सर, दिस क्वेश्चन सेकंड सेंटेंस इज क्वेश्चन एंड थर्ड सेंटेंस इज आंसर. ओके अब हमने थर्ड सेंटेंस अभी नहीं सुना है. व्हाट इज द थर्ड सेंटेंस? सर थर्ड सेंटेंस इज यस आई विल कम टू यू टुमारो. ओके जो भी है क्रम आपका नो प्रॉब्लम. चलिए हम इसमें थोड़ी सी क्रिएटिविटी करते हैं. इस बार हम सब्जेक्ट बदलेंगे. पूनम सब्जेक्ट यानी कर्ता बदलेंगे और एक बार जो सब्जेक्ट प्रयोग हो जाएगा वो दोबारा नहीं होना चाहिए. इसलिए पूनम अंत तक तुम्हें हर वाक्य को ध्यान से सुनना होगा. आई एम स्टार्टिंग विथ सारिका. आप चाहे तो ना में भी उत्तर दे सकते हैं क्योंकि हाँ में उत्तर का अभ्यास तो आपने कर लिया है. बट यू आर फ्री टू गिव बोथ द आंसर्स अफर्मेटिव और नेगेटिव वट एवर यू वॉन्ट. सारिका Will Sharma aunty come to you tomorrow? No, sir. She will not come to me tomorrow. Sarika, क्या Sharma aunty आएंगी कल तुम्हारे यहाँ? Sir, वो मेरे यहाँ नहीं आएंगी कल. वो कल मेरे यहाँ नहीं आएंगी. रेनू भाभी, will your parents come to you tomorrow? No, they will not come to me tomorrow. जी क्या आपके मम्मी पापा कल आपके यहाँ आएंगे? नहीं वह मेरे यहाँ नहीं आएंगे. ओके रितु, सारिका के बहुवचन सब्जेक्ट प्रयोग करने के लिए मैंने तालियां बजाई. सारिका और अपर्णा काफी शुरू से जुड़ी हैं तो सब्जेक्ट में एकदम से वैरायटी लेकर आती है और ऐसा प्रयास आपको भी करना है. थैंक यू. ओके विल मिसेस कुमार कम टू यू टुमारो? यस रेनू, शी कम्स टू मी टुमारो. कोई बात नहीं रितु. पूनम हम इनके क्वेश्चन को रिपीट नहीं कराएंगे. हम आपको चेक करना चाह रहे हैं आप अटेंटिव है अथवा नहीं. आप आंसर दी. यस शी विल कम टू यू टुमारो. तो पूनम भी उतनी अवेयर नहीं है जितनी होना चाहिए बिकॉज़ इट्स ओके शी इज न्यू. अब हम सारिका को चेक करते हैं. सारिका रेनू विल नॉट रिपीट द सेंटेंस आंसर. दोस्तों हमारे जीवन में भी मैक्सिमम ऐसा होता है कि अवसर हमारे दरवाजे को खटखटाता है और हम उसको भगा देते हैं. फिर बाद में पता चलता है ओह इट वाज द अपॉर्चुनिटी. तो हम आंसर देते हैं रितु का सॉरी रेनू का. नो रेनू शी विल नॉट कम टू मी टुमारो. शी विल नॉट कम टू मी टुमारो. कंप्लीट द प्रोसेस प्लीज. Renu, you are mute. Oh, sorry. क्या
कल मिसेस कुमार आपके यहाँ आएंगी? नहीं, वे नहीं आएंगे कल मेरे यहाँ, बिकॉज शी इज गोइंग टू नागपुर. Ritu, are you ready to answer? Yes, sir. I am ready to answer. Ritu, will the delegation of foreign salesmen come to you tomorrow? My God, itna kathin kyun puch liya sir? Sir, please come again. देखिए दोस्तों, हमने अभी कल परसों की क्लास में कहा था कि ऑनलाइन क्लास में सब्जेक्ट पर उतना वर्क हो नहीं पाया है जितना होना चाहिए, और इसमें माय गॉड की बिल्कुल जरूरत. देखिए सी, इसको माय गॉड मत लीजिए, ये बहुत आसान होता है. आप हमें किसी बैच में देखेंगे, बहुत आसान, बच्चे एक से क्रिएटिविटी करते हैं. लेकिन चूंकि आपने वो जो सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस है, एक्चुअली बैच का टाइम है 12 o'clock, राइट? 12 o'clock से 12:30 आपको सेंटेंसेस रोज भेजना चाहिए. एक बार हमने बता दिया था. अच्छा, हम चेक नहीं करते हैं इसलिए आप डिसअपॉइंट होके भेजना बंद कर देते, लेकिन सेम टू सेम प्रोसेस यहाँ होती है. जैसे 4 बजे का बैच है तो बच्चे 4 बजे आते हैं और उनको हम बता देते हैं कि आज से तुम्हें ये वाला अभ्यास करना है, और हम इस तरह से बताते हैं. रेनू को भी बताया था कि एक बंदा आएगा, सामने खड़ा होगा, अपना रजिस्टर खोलेगा और बोलेगा व्हाट इज योर नेम. मालूम होने के बावजूद भी हम उनसे बोलते हैं आपको पूछना है, आपको पता है कि इसका नाम मन्नू है, इसका गुड्डू, इसका पप्पू, फिर भी आपको पूछना है. ये हमने रेनू को समझाया था. 4 o'clock में वो प्रोसेस चली गई. तो बच्चे आते हैं, खड़े होते हैं, अपना रजिस्टर लेते हैं, और अगर उनका रजिस्टर अप टू डेट नहीं है, एबसेंट हो गए हैं, तो किसी ऐसे स्टूडेंट का रजिस्टर मांग लेते हैं, नोटबुक मांग लेते हैं, जो एकदम रेगुलर है, जिसकी राइटिंग अच्छी है, अप टू डेट. फिर उसका रजिस्टर लेते हैं और उस क्रिया से आगे बढ़ते हैं जो कल तक प्रयोग की गई. हमेशा यही चलता है. तो फिर वो सबका नाम लेते हैं. व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज शीला. शीला, योर वर्ब इज कॉम्प्रीहेंड, दैट इज आत्मसात करना. कॉम्प्रीहेंड, कॉम्प्रीहेंडेड, कॉम्प्रीहेंडेड. व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज सत्यजीत रे. सत्यजीत, योर वर्ब इज चर्न, दैट इज मंथन करना. चर्न, चर्न, चर्न. इस तरह से सबको वो क्रिया बांटते, और उसके बाद वो वहां तब तक खड़ा रहता है जब तक सबके सेंटेंस नहीं बनते या खड़ी रहती है. और जिस तरह हमारे यहाँ यू शेप में सेटिंग होती है, तो एक एक करके सभी को आना होता है वहां सामने, और वो कैप्टन नहीं होता है या होती है, लेकिन वो उतनी देर के लिए वहां पे खड़ी होकर या होकर सॉरी भी बोलने की अधिकारी या अधिकारी होता है. और जरूरी नहीं है कि वो हर सेंटेंस को सुने, उस पर कोई जिम्मेदारी नहीं होती, वो अपनी वर्क दे देता है, दैट्स ऑल. फिर कोई लेट आया मान लो, फिर वो उसको बीच में सही समय पे फिर वर्क दे देता है. व्हाट इज योर नेम? योर वर्ब इज नो, दैट इज जानना. नो, न्यू, नो. तो फिर एक एक करके सब सेंटेंस बनाते हैं. जिसका सेंटेंस गलत होता है, एक बार सॉरी, दो बार, तीन बार सॉरी होता है, उसके बाद पास कर दिया जाता है. पूरा राउंड होने के बाद जो सामने खड़ा है उसकी बारी आती है, क्योंकि ये ऐसा घूमता है, तो वो अपने 3 सेंटेंस बनाता है. फिर वो चेक करता है, आर यू रेस्ट? नो, आई एम डन. आर यू रेस्ट? यस, आई एम रेस्ट, गो अहेड. तो जो फिर उसको बीच से बोलने की अनुमति नहीं होती, फिर वो शुरू से सेंटेंस बनाता. मान लीजिए उसका पहला सेंटेंस तो सही हो गया, दूसरा गलत हो गया, लेकिन उसको पुनः पहले सेंटेंस से ही बनाना होता है. तो ये प्रक्रिया हमारी एब्सेंस में बदस्तूर चलती रहती है. हम वहां बिल्कुल मौजूद नहीं होते. जब सबके वाक्य बन जाते हैं, तब वो वहां पे लगी एक बैल को बजाते हैं, देन आई अप्रूव. फिर कभी कभी वो पूछ लेते, सर ये इस सेंटेंस में ऑन लगा रहा था, ऑन सही है कि इन सही है कि अपॉन सही? तो फिर वहां पे हम उसे बता देते हैं.
तो अगर आपके साथ कहीं ऐसा हो कि जैसे रितु ने कोई वाक्य बोला और रेनू को लगा कि इसमें ऑन की जगह कौन आना चाहिए, तो वो क्लास में डिस्कस करी कि सर वो रितु ने कल सेंटेंस ऐसा भेजा तो उसमें अपॉन था, सही है कि गलत है। तो हम उसी समय यहाँ से उस सेंटेंस को देखेंगे या उसी समय रितु से बनवाएंगे और सही प्रपोजिशन लगवा देंगे। तो 1.5 घंटे की क्लास में हमारे हर बैच में प्रोसेस यह है कि आधा घंटा हमेशा स्टूडेंट्स का रहता है, वो अपने पे रहते हैं। ये एक तरह से इंडिपेंडेंट बनाने की प्रोसेस है, क्योंकि अक्सर जब हमने अपनी शिक्षा पद्धति में पाया कि बच्चे शिक्षक के मोहताज हो जाते हैं, और ये गलत है, होना नहीं चाहिए, हमेशा मोहताज नहीं होना चाहिए। बच्चों से हम साफ साफ बोलते हैं, बेटा 5 महीने 6 या 7 महीने का हमारा और तुम्हारा साथ, इसके बाद कहीं तुम बाहर जाके इंग्लिश बोलोगे तो क्या तुम हमें फोन करके पूछोगे सर इसमें ऑन लगेगा कि आप ऑन नहीं, वहां तुम इंडिपेंडेंट होगे, तो तुम्हें आज नहीं तो कल उसको फेस करना है, तो उसकी आदत आज से शुरू करो। तो ये प्रक्रिया आपके बैच में भी, सब बैच में हम बताते हैं, बस वो हो नहीं पाती है। और फिर हमने उसको स्वीकार कर लिया। आप चाहें तो पुनर्विचार करें, और जैसे ही आप कोई भी समय निर्धारित करें, 1.5 घंटे का रहेगा जिसमें 1 घंटे हमारा पार्टिसिपेशन होता है, आधा घंटा आपका होता है। तो अगर आपने 12:30 तय कर लिया है तो 12:30 बजे जब मैडम या URL भेजती हैं उस समय, अभी तक अगर नहीं किया है तो इट इज नेवर लेट टू मेंड। हैव आई गिवन यू दिस आइडिया? यस सर, व्हाट इज द यू आर मीनिंग? ऑलरेडी जब सर। देर जागे आयत, देर आयत दुरुस्त आयत। जब नहीं जागो नहीं तब नहीं सवेरा नहीं है? यस दिस इज हाँ, जब राइट। जागो तब सवेरा। हाँ, सुबह का भूला शाम को शाम अगर को लौट पढ़ते आए हैं, तो बुला उसे भूला नहीं कहते। नहीं कहते। दो हिंदी लिखवाए हैं हमने, बिल्कुल। इट इज नेवर लेट टू मेंड, अक्षरशः अनुवाद होता है कि सुधरने में कभी देर नहीं। मेंड मीन्स सुधरना, सुधारना। ये व्यक्ति का होता है आमतौर पर, क्योंकि वस्तु के लिए तो रिपेयर का प्रयोग कर लेते हैं और वाक्य के लिए करेक्ट का और रेक्टिफाई का प्रयोग करते हैं, लेकिन मेंड का प्रयोग हम व्यक्ति के लिए कर सकते हैं। जैसे हम बोलते तुम सुधरोगे नहीं, तो वहां पे हमें मेंड का प्रयोग करना ही उचित है। वहां करेक्ट का प्रयोग आप नहीं कर सकते, रेक्टिफाई का प्रयोग नहीं कर सकते। तो चाहे तो आप इस प्रक्रिया को कल से अंजाम देना शुरू कर सकती हैं, और आपको करना वही होगा जैसा हमने बताया। आप सब एक दूसरे के नाम जानते हैं, फिर भी आपको संबोधन देना होगा। अब उस क्लास में तो क्या होता है, ऐसे देख के एक दूसरे को नाम पूछ लेते हैं, व्हाट इज योर नेम, इशारा करके। अब यहाँ पे कैसे करेंगे, आप ऐसा कर सकते हैं जैसे सारिका व्हाट इज योर सरनेम, सर माय जैसे सर नेम रेनू इज बर्बड़े। जा। हाँ, तो आप फिर बोलेंगे सारिका योर वर्ब इज डैश डैश डैश। और अगर आप प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर के वाक्य बना रहे तो आपको 3 फॉर्म उसको बताना चाहिए। जैसे योर वर्ब इज ड्रॉ, दैट इज खींचना, ड्रॉ ड्रू ड्रोन, ऐसे। फिर उसके बाद आप रितु को वर्ब दीजिए, फिर पूनम को दीजिए, फिर अपर्णा को दीजिए। इतनी देर में क्या होगा, सारिका विल इमेजिन द सेंटेंस, देन यू विल हैव टू से ओके सारिका स्टार्ट, तो शी विल मेक 3 सेंटेंसेस। अगर आपको कोई डाउट है थोड़ी सी चर्चा कर सकते हैं, एक आध बार सॉरी भी बोल सकते हैं। और लेकिन जब मतांतर बहुत हो जाए, कोई भी अग्री ना हो, तो आप उसको लीव कर दीजिए और हमारे प्रकट होते ही आप पूछिए कि सर उस सारिका ने, और ये पूछने का अधिकार उसको है जिसने वर्ब
बांटी है, who distributed the work. He or we, she will be the class captain for a day. So he or she will ask, sir, she made this sentence and she put this pronoun, this article, this preposition, is it correct? तो हम आपको उसी समय बता देंगे. तो इसको आप गूगल पर ही करें, उससे अच्छा ये होगा कि राइटिंग में आता जाएगा. तो पूनम को जैसे बहुत सारी क्रियाएं नहीं पता है तो वो लिखी आती जाएंगी. एंड पूनम, यू कैन ऑलवेज से कम अगेन इज द बेस्ट इंटरेक्टिव सेंटेंस इन दिस क्लास, हमेशा यूज करें. ओके, तो सारिका का आंसर तो हमने दे दिया. अब रेनू, हमने जो क्वेश्चन किया था उसका आंसर देने के लिए आर यू रेडी? सर यस आई एम रेडी, बट यू हैव टू कम अगेन सर, बिकॉज़ आई विल कम. पहले हम रितु को एक मौका फिर से देते हैं और छोटा सा, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं. लेकिन ये खूबसूरती है सेंटेंस, आप देखिएगा एक कंपटीशन भी होता है. Sir, can I answer without your repeating question? Wow, goodness, and ask us. Okay, sir. Go ahead. Sir, the delegation of foreign. Yes, sir. The delegation of foreign will come to me tomorrow. One word is missing. चलो हम रितु से इसी को थोड़ा सा छोटा करके पूछते हैं. रितु, will foreign delegation come to you tomorrow? Sir, yes, sir. Foreign delegation will come to me tomorrow. क्या विदेश का प्रतिनिधि मंडल कल आपके घर आएगा? हाँ सर, विदेश का प्रतिनिधि मंडल कल मेरे घर आएगा. रितु, आज द सेम क्वेश्चन टू पूनम. Unum, will foreign delegation will come to you tomorrow? मेरे दो दो will, Unum, आपको तीन का दंड लग सकता है. She made a mistake. The foreign yes. delegation will Unum come to you say tomorrow. Come again. Come again. Ritu, come again. Unum, foreign delegation will come to you tomorrow. बेटा ये प्रश्न नहीं है रितु, दिस इज नॉट ए क्वेश्चन. पूनम, शैकदंड अभी नहीं, लेकिन विल फॉरेन डेलीगेशन कम टू टुमारो. यस रितु, फॉरेन डेलीगेशन विल कम टू मी टुमारो. सर हिंदी भूल गए सर, इंग्लिश ही बोल दो बेटा, कोई दिक्कत नहीं. फॉरेन डेलीगेशन वाले कल तुम्हारे बस बोल दो कोई दिक्कत. कम अगेन ऋतु. पूनम, फॉरेन डेलीगेशन वाले कल आपके घर आएंगे? हाँ ऋतु, फॉरेन डेलीगेशन कल मेरे घर आएंगे, मेरे यहाँ आएंगे. पूनम, आज द सेम क्वेश्चन टू रेनू. Renu, will foreign delegation will come to you tomorrow? Yes, they will come to me tomorrow. Renu, kal kya tumhare yahan? Sorry. Yeah. Yes, they will come to me tomorrow. Okay, Poonam or me? Ma'am, who? Poonam. Okay. Will foreign delegation come to you tomorrow? Yes, they will come to me tomorrow. Renu, kya foreign? Ritu ne pronoun prayog nahi kiya. Poonam nahi hai to tujhe humne kuch bola nahi. Renu ne pronoun prayog kiya, sarvanam. संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं. पूनम, हिंदी बोल दो एक बार.
रेनू क्या फॉरेन के प्रतिनिधित्व तुम्हारे यहाँ आएंगे, कल तुम्हारे यहाँ आएंगे? हाँ पूनम, विदेश के प्रतिनिधि मंडल हमारे यहाँ आएंगे। सर गलत हो गया, हाँ वे मेरे यहाँ आएंगे, हाँ वे कल मेरे यहाँ आएंगे। एक्चुअली वो रितु, आई वांट टू स्पीक, वो क्या था, विदेश का प्रतिनिधि मंडल, दैट्स व्हाई आई वाज लाइक कीन टू आंसर। ओके सो सर, ऑल आर डन और शुड आई आस्क? यू शुड आस्क सारिका। ओके सारिका, आर यू देयर? यस भाभी, आई एम हियर। Yeah, okay, Sarika, will the foreign delegation come to you tomorrow? Yes, Bhabhi, they will come to me tomorrow. Okay, kya videsh ke pratinidhi mandal aapke yahan aayenge, kal aapke yahan aayenge? Haan, ve kal mere yahan aayenge. Sir, all are done. Sarika, hume round ko aage badhana hai, tum puna ek subject lo. रितु से पूछो, रितु पूनम से, पूनम रेणु से। जी सर। रितु दी, विल यू कंप्लीट योर रेस्ट ऑफ द वर्ड आफ्टर द क्लास? नहीं बेटा, रुको रुको, ये कम वाला जो है इसी को अपने को दोहराना है, सब्जेक्ट बदलना है। जैसे अभी हमने फॉरेन डेलीगेशन सब्जेक्ट रख दिया तो एकदम से दिक्कत हो गई ना, इट सक्स हो गया, तो हमें अभी बदलना नहीं है सेंटेंस को, सब्जेक्ट बस बदलना। रितु दी, विल द इंडियन आइडल टीम कम टू यू टुमारो? यस सारिका, दे विल कम टू मी टुमारो। दी, क्या इंडियन आइडल टीम आपके यहाँ कल आएगी? हाँ वे कल हमारे यहाँ, हाँ वह टीम कल हमारे यहाँ आएगी। रितु हिंदी से दारो बेटा। हाँ वह कल हमारे घर आएंगे, वे कल हमारे घर आएंगे, वे कल हमारे घर आएंगे। हाँ पूनम, विल योर फ्रेंड्स कम टू यू टुमारो? यस रितु, दे विल कम टू मी टुमारो। पूनम, कल आपके फ्रेंड्स आपके यहाँ आएंगे? हाँ ऋतु, कल वे मेरे यहाँ आएंगे। रेणु, विल मिसेस मेहता कम टू यू टुमारो? या शी विल कम टू मी टुमारो। रेनू, क्या मिसेस मेहता कल आपके यहाँ आएंगी? हाँ कल वे मेरे यहाँ आएंगी, सच्ची में। ओके सो नाउ टुमारो इज वेडनेसडे ना? या ओके सो वी विल मीट अगेन। ओके नाउ सर, आई हैव टू आस्क, ओके यू, ओके सर, विल ऑल द स्टूडेंट ऑफ 4 o'clock बैच कम टू यू टुमारो? नो, all the students cannot come, but the Jabalpurian will come to me tomorrow. Okay. Sir, kya 4 baje ke batch ke sare bacche aapke yahan aayenge, kal aapke yahan aayenge? Nahi, sabhi to nahi aa sakte, lekin jo Jabalpur vasi hai ve aayenge. Now I'm asking the next question to Sarika. आप ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, और if your CC is not on, please switch on your CC. Sarika, will UNEC come to you tomorrow? UNEC. Sir, UNEC. UNIT or UNEC? UNEC.
यूनेक सर आई डोंट नो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनेक यूनेक की स्पेलिंग ई से शुरू होती है हम आप यूनेक का अर्थ होता है छक्का सर यू आर नॉट क्लियरली ऑडिबल टू मी द मीनिंग ऑफ यूनेक इज छक्का ओके आई गॉट ब्रहनला जी 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 Will sir, Unit what come should to I you tomorrow? Pronounce the whatever you want. Okay. Yes, sir. They will come tomorrow. क्या कल आपके घर छक्का आएगा? Okay, singular. Yes, sir. They will come to me tomorrow. हाँ जी, वह कल मेरे घर आएगा. I am writing, I am sharing the screen. Is it visible to you? Yes, sir. Yes, clearly sir. visible. Can you see? Yes, sir, I can see. Can you hear? No, sir, I can't hear. अच्छा तो गूगल में ये सुविधा नहीं है कोई बात नहीं मीनिंग सभी ने देख लिया ना Yes, sir. तो जो नपुंसक शब्द इसमें जो दिखा रहा है वो नपुंसक की ओर इशारा कर रहा है और ये इन्होंने जो मीनिंग दे दी है वो रशियन में दे दी फ्रेंच में दे दी चलिए हम इमेज देखते हैं क्या दिया है इन्होंने चलिए आप इसको हमने गूगल में खोज लिया आप उसको देखिएगा उसमें आई एम कमिंग बैक सर बोथ द स्पेलिंग्स आर डिफरेंट हो सकता है हमसे थोड़ा स्पेलिंग में कहीं गलती हुई हो तो आप इसको ढूंढिएगा और यू विल फाइंड द करेक्ट मीनिंग लेकिन ई से शुरू होती है हो सकता है एक आध शब्द इधर उधर हुआ इसलिए मीनिंग बदल गया यूनेक तो जिसको भी वो वाला अर्थ मिले वो व्हाट्सएप में शेयर कीजिए ये हमने जानबूझ के लिया था कि अभी आप लोग जो भी सब्जेक्ट ले रहे हैं या तो स्त्रीलिंग ले रहे थे या पुल्लिंग तो हम यहाँ पे इसको बदल के इस तरह से करना चाह रहे थे अभी हम इस राउंड को और आगे चलाएंगे जरा सब्जेक्ट पर भी आपकी विजय देखते हैं तो एक बार फिर से पूछते हैं विल द यूनेक कम टू यू टुमारो यस सर ही विल कम टू मी टुमारो ही का प्रयोग नहीं होगा क्या होगा सर ये इट आएगा ना ये हाँ इट आएगा यस सर इट विल कम टू मी टुमारो क्या वृहन्नला कल आपके घर आएगा हाँ जी वह कल मेरे घर
आई किन्नर किन्नर शब्द ज्यादा सुना हुआ होगा किन्नर। अब और सोच के कुछ अच्छा सब्जेक्ट रखो, ये सोच के कि प्रोनाउन सामने वाले रख पाएगा कि नहीं। हम इस राउंड को आगे बढ़ा रहे हैं, कैरी ऑन। सर कैन आई? नहीं, सारिका से आगे बढ़ेगा ना। ठीक है, क्रम अपन ने यही अडॉप्ट कर लिया है। रेनु भाभी राइट? नहीं, तुम्हें रितु से पूछना है। रितु से पूछना है। रितु दी से? हाँ, रेनु भाभी से ना सर। यू हैव टू शुड आई आस्क टू मी? सारिका रितु जी। सर मे बी आई एम फेसिंग नेटवर्क प्रॉब्लम, आई कुडंट हियर प्रॉपरली। नो, वी ऑल आर फेसिंग, आई एम ऑल्सो फेसिंग, नेटवर्क इज लिटिल बिट डिस्टर्ब्ड टुडे। ओके रितु दी, विल न्यू बॉर्न बेबी कम टू यू टुमारो? यस सारिका, इट विल कम टू मी टुमारो। Very nice, Ritu. दी, क्या नवजात शिशु कल आपके यहाँ आएगा? हाँ, वह कल हमारे यहाँ आएगा। रेनु, a troop of soldiers will come tomorrow. बेटा प्रश्न बनाओ, मेक अ क्वेश्चन। रेनु, विल ट्रूप ऑफ सोल्जर soldiers will come, will troop of soldiers come to you tomorrow? Yes, they will come to me tomorrow. क्या सैनिकों का दल कल आपके घर आएगा? हाँ, वे मेरे घर आएंगे, वह मेरे घर आएंगे। ओके, करेक्ट। हम यहाँ इट का भी प्रयोग कर सकते हैं। सर एक जैसे फोक ऑफ शीप भी आ सकते हैं ना, भेड़ें, भेड़ों का दल। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए तो हम ये करवा रहे हैं। कि याद कीजिए, बहुत पहले तो हमने आपको ये सब दिखा दिया था, सिखा दिया था पर्सन के दौरान, प्रेजेंट सिंपल के पहले ये सब करते हैं इसीलिए। पूनम, विल फोक ऑफ शीप्स कम टू यू योर हाउस टुमारो? हाँ, ये हाउस से भी छुटकारा दिलाना चाहते हैं आप लोग, जुबान पे हाउस और होम बहुत बात। Come again, Renu. Will folk of sheep come to you tomorrow? Yes, Renu. They will come to me tomorrow. नहीं, पूनम यहाँ it का प्रयोग होगा। Sorry, come again, sir. It. I-T, it. Yes, Renu, it will come to me tomorrow. क्या भेड़ों का दल आपके यहाँ कल आएगी, आएंगे, आएंगे, आएंगी? आएगा। आएगा, अच्छा। Yes, Renu, वे हाँ आएंगे। Okay. Sir, I have to ask me, whom I have to ask? पूनम, अभी भी तुम्हें confusion है। इसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं। और अगर कंफ्यूजन हो तो कलेक्टिव नाउन की परिभाषा को गोली मारो और हिंदी को ध्यान से देखो। हम हिंदी तुमसे पूछ रहे हैं रेनू के बिहाफ, क्या कल भेड़ों का झुंड तुम्हारे घर आएगा? भेड़ों का झुंड? यस सर, आई वाज मिस्टेकन, आई हैव मिस्टेकन। जी सर, जी हाँ सर, कल वो मेरे यहाँ आएगा। आएगा, देखो हिंदी में तो आएगा ही होगा, झुंड है। अपन बोलते ना, देखो भेड़ों का झुंड जा रहा है, या फिर ऐसे बोलते हैं बहुत सारी भेड़ें जा रही है, तो वो बहुवचन हो जाए।
चार भेड़ें खड़ी हैं तो ये बहुवचन, लेकिन भेड़ों का झुंड फोक ऑफ शीप्स FOLK फोक फोक ऑफ शीप्स, ये सब हमें बच्चों को पढ़ाने के दौरान मजेदार चीजें पता चलती है। अगर आपने बच्चों को पढ़ाया है KG 1 KG 2 फर्स्ट सेकेंड थर्ड के दौरान 8 तक पढ़ाया। हाँ ओके, नाउ पूनम यू आस्क टू सारिका, नाउ यू कैन आस्क यू कैन आस्क मी, आई विल आस्क सारिका। सर आई कैन चेंज द सब्जेक्ट? यस, हम यहाँ पे सब्जेक्ट का ही अध्ययन कर रहे हैं। सॉरी ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, आई वांट टू आस्क फॉर ऑब्जेक्ट। अभी ऑब्जेक्ट चेंज ना करें, इसका कारण ये है कि आप लोगों को घर शब्द लगाने की आदत है, हाउस या होम लगाए बिना आप सेंटेंस पूरा नहीं करते हैं, इसलिए हमने ना वर्ब चेंज की सारिका कर रही थी तो हमने नहीं कर। Will a group of monkey will come to you tomorrow? देखिए आपसे दो बार will लग रहा है, एक ये लिखा है एक ये लिखा है। Will a group of monkey come to you tomorrow? Monkeys. Monkeys. Repeat का मतलब। Will a group of monkeys come to you tomorrow? Yes, it will definitely come to me tomorrow because it is Wednesday. Sir, क्या कल मंकियों का एक समूह आने वाला आएगा आपके यहाँ आएगा? बिल्कुल आएगा, कल बुधवार है ना, तो बंदरों का झुंड आएगा। ओके, म्यूट योरसेल्फ पूनम। थैंक यू सारिका। विल एनी गुड न्यूज कम टू यू टुमारो? यस सर, इट विल कम टू मी टुमारो। क्या कोई खुशखबरी आएगी तुम्हारे यहाँ कल? जी सर, वह कल मेरे घर आएगी। सर इसको कैसे बोलेंगे, वह कल में? बिल्कुल सही है, सही आएगी। दोस्तों यहाँ पे आपके मन में भिन्न भिन्न भाव आएंगे, लेकिन यहाँ हम केवल सब्जेक्ट को फोकस कर रहे हैं, तो आपके मन में जो अन्य भाव आए नकारात्मक उसको दरकिनार कर दें, क्योंकि महिलाएं जरा से हिंदी में बहुत सारे ढूंढने लग जाते हैं कुछ कुछ, तो ऐसा कुछ भी ना ले, हम सब्जेक्ट को फोकस कर रहे हैं। इतनी देर में हमने नॉन लिविंग सब्जेक्ट उठाया, ठीक है, गो अहेड। ओके सर। रितु दी, विल द ट्रूप ऑफ म्यूजिशियंस कम टू यू टुमारो? Yes, Tarika, they will come to me tomorrow. दी, क्या म्यूजिशियंस का ग्रुप लगाओ बेटा? देखो अभी हिंदी में तुम्हें समझ में आ जाएगा, पहले तो तुम इट लगाओ। ओके, इट विल कम टू मी टुमारो। दी, क्या कल आपके यहाँ म्यूजिशियन? वेट सारिका, उसने यस नहीं बोला, सीधे इट विल से शुरू कर दिया। रिपीट योर क्वेश्चन। Sir, should I repeat my question? Yes, yes, yes. Please, yes, please. Okay. Ritu di, will the troop of musicians come to you tomorrow? Yes, it will come to me tomorrow. I was saying troop, and Google is taking group. No problem. गूगल को कई बार बोला जहाज सर की क्लास ज्वाइन करो, मानते नहीं। चलो इट विल डू। ओके सर,
दी, क्या कल आपके यहाँ म्यूजिशियंस का ट्रुप आने आएगा? हाँ, कल वह ग्रुप मेरे यहाँ आएगा। देखो अपने आप आएगा आ गया ना ऋतु। हाँ सर। ये समूह वाचक संज्ञा कहते हैं दोस्तों, और ये एक वचन होती है समूह। हमने एक उदाहरण बहुत पहले दिया था, आज दोहराते हैं। उसके बाद ऋतु तब तक तुम अच्छा सब्जेक्ट सोच के रखो, पूनम सुनना ध्यान से, रेनु भी सुनना। क्लास में 30 बच्चे हैं, लेकिन क्लास कैसी चल रही है बिंदी नहीं, राइट। सेना में 50,000 सैनिक हैं, भारतीय सेना आगे बढ़ रही है नहीं। 200 बाराती हैं, बारात आ रही है नहीं। अगर आपने नासिका स्वर यूज किया नेजल, तो वो बहुवचन हो जाता है। बारात आ रही है, 200 बाराती हैं, लेकिन बारात आ रही है, क्लास चल रही है, सेना आगे बढ़ रही है, ये सब समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। तो इसको हिंदी से देखना बेहतर होगा। तो जब आपसे इंग्लिश में सवाल किया जाता है, उस समय आप हिंदी सोच नहीं पाते हैं, इसलिए आप दे लगाने लग जाते हैं। लेकिन इसमें दे लगाने की अनुमति है, लेकिन फिलहाल अभी आप इट लगाएं इसमें। नाउ ऋतु प्लीज आस्क। रेनु, अ कमिटी ऑफ मेंबर्स विल कम टू यू टू सॉरी विल अ कमिटी ऑफ मेंबर्स कम टू यू टुमारो? यस, दे विल कम टू मी टुमारो। एब्सोल्युटली करेक्ट। क्या सदस्यों की कमिटी कल आपके यहाँ आएगी? गलत हो गया बेटा ऋतु। क्या सदस्यों की कमिटी क्या कमेटी के सदस्य कल आपके यहाँ आएंगे? बेटा तुम्हें ऐसा बोलना था, विल द मेंबर्स ऑफ दिस कमेटी, विल द मेंबर्स ऑफ दिस कमेटी कम टू यू टुमारो? रेनु, विल द मेंबर्स ऑफ दिस कमेटी कम टू यू टुमारो? यस, दे विल कम टू मी टुमारो। क्या कमेटी के सदस्य कल आपके यहाँ आएंगे? हाँ हाँ, वे मेरे यहाँ आएंगे। सो नाउ ऋतु ने क्रम बदल दिया, ऋतु हैज चेंज द सीक्वेंस। यू हैव टू आस्क पूनम। हाँ यस, शी हैज टू आस्क पूनम एंड पूनम हैज टू आस्क मी। ओके, सो आई हैव टू आस्क पूनम ना? यस प्लीज आस्क पूनम। ओके Poonam, will auditors come to you tomorrow to audit your accounts? Yes, Renu, they will come to me tomorrow. Okay. Kya lekha joka karne wale auditors kal aapke yahan aayenge? Haan, Renu, ve kal mere yahan aayenge. Now, I have to ask you. Sir, I have to ask. Okay. Sir, will your NRI's friends come to you tomorrow? Call. Call. Phone call. So, इसको ऐसे बोलो पूनम. Will the call of your NRI friends? Okay. Will the call up? All of NRI friend come to you tomorrow? Yes. हालांकि ये व्यवहारिक नहीं है पूनम, ये ऐसे बनना चाहिए, will the your NRI friends call you tomorrow? ये ऐसे बनना चाहिए, क्योंकि कॉल इस तरह से नहीं आएगा ना, तो उसमें तुम्हें सब्जेक्ट बदलना चाहिए, कुछ और अच्छा सोच के रखो। Sir, should I?
okay. So should I, can I help her with one word? So she will make the sentence. No, let her be independent. Let her take time. Simple, you can put simple. दोस्तों कल से आप उस प्रोसेस को अपना लीजिए और इसमें सब तात्कालिक सोचना होता है. बस इसमें आपको 2-4 मिनट मिलेंगे वर्ब डिस्ट्रीब्यूट होते होते, तो वर्ब के अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट एकदम इमीडिएटली सोचना होता है. इसलिए हमने अभी वर्ब नहीं बदली. आई हैव नॉट चेंज द वर्ब. Will film stars come to you tomorrow? Yes, they all will come to me tomorrow because it is my birthday. Oh, that's great. So we will also come. You all film stars are coming. You are on screen. Whether it is mobile screen. Complete the process, you know. क्या कल आपके यहाँ अभिनेता बोलेंगे सर? अभिनेता आएंगे, फिल्म स्टार्स को अभिनेता ही बोलेंगे हिंदी में? हीरो हीरोइन. क्या कल हीरो हीरोइन आपके यहाँ आएंगे? सब आएंगे. And Daud will also come from Dubai. और सोच के रखो, एक राउंड हम इसको और खेलेंगे. कुछ अच्छा सा सब्जेक्ट सोच के रखो. सारिका, विल ऑल ऑफ देम कम टू यू टुमारो? यस सर, दे विल कम टू मी टुमारो. क्या वे सभी आएंगे तुम्हारे यहाँ? हाँ जी वे सर. इसमें सेम हमें बोलना है, दे ऑल ऑफ देम ना. हाँ नहीं, दे नहीं बोलना. दे ऑल ऑफ देम, दे नहीं आएगा. यस सर, ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ देम विल, यस सर, ऑल ऑफ देम विल कम टू मी टुमारो. वे सब मेरे आएंगे. आएंगे तुम्हारे यहाँ? जी सर, वे सब भी आएंगे मेरे यहाँ. अब तुम राउंड को ऐसे बदल दो, रेनू से पूछ लो इस बार, रेनू रितु से पूछे. जी रेनू भाभी, द डिवोटीज ऑफ योर सत्संग मेंबर्स, नहीं, द डिवोटीज ऑफ द सत्संग, है ना सर, विल कम टू यू टुमारो. Sorry. The devotees of your satsang come to you tomorrow. Sorry. Prashn nahi ban raha hai sir. Okay, okay. Will the devotees of satsang come to you tomorrow? Yeah, yeah. They will come to me tomorrow. आपके भाभी, आपके सत्संग के जो डिवोटीज हैं वो कल आपके यहाँ आएंगे क्या? वो कल आपके यहाँ आएंगे? हाँ हाँ, वे कल मेरे यहाँ आएंगे. I will be very happy to receive them. Okay. Ritu, yeah. Will plumber, will the team of plumber will come to you tomorrow? क्या नल ठीक करने वालों का एक समूह आपके यहाँ आएगा? हाँ वे कल मेरे यहाँ आएंगे. दोस्तों एक मिनट रुकिएगा. इस शब्द का सही उच्चारण लमर है, इसमें बी साइलेंट होता है. देखिएगा, लमर.
Grammar. Okay. Okay, Sir, Ritu asked. till my life, matlab from childhood, I am pronouncing it wrong. So I was pronouncing it plumber. So it is plumber. Okay. Okay. Poonam, will gang of robbers come to you tomorrow? I'm sorry. No, Renu, they will not come to me tomorrow. Poonam, क्या कल डाकुओं का गिरोह आपके घर आएगा? नहीं रेनू, वे मेरे यहाँ, सॉरी नहीं रितु, मेरे यहाँ वे नहीं आएंगे. ओके, सो सर, विल द आर्मी, रितु दीदी बिलोंग्स टू आईबी ग्रुप. यस सर, विल द आर्मी मिशन कम टू यू टुमारो? Yes, it will definitely come to me tomorrow. Sir, kya kal army ke sena bolenge? Army ki sena, army mission. Mission nahi bolenge fir. Mission to ek abhautik cheez hai. Hindi words ko. Will the army कर दो ना सीधे. Okay. Will the army come to you tomorrow? No, it will not come to me tomorrow. क्या सर आर्मी कल आपके यहाँ आएगी? नहीं, वो नहीं आएगी. अब दोस्तों एक अव्यवहारिक राउंड खेल के देखते हैं. व्यवहारिक नहीं है ये, लेकिन ग्रामर की दृष्टि से हम इसका अभ्यास करते हैं. आई एम आस्किंग टू सारिका, सारिका विल आस्क टू रेनू. सारिका, विल आई कम टू यू टुमारो? यस, यू विल कम टू मी टुमारो. क्या मैं कल तुम्हारे घर आऊंगा? जी सर, आप कल मेरे यहाँ आएंगे. सेम क्वेश्चन. रेनू भाभी, विल आई कम टू यू टुमारो? यस सारिका, यू विल कम टू मी टुमारो. भाभी, क्या कल मैं आपके यहाँ आऊंगी? हाँ, कल आप मेरे यहाँ आएंगी. रितु, विल आई कम टू यू टुमारो? यस रेनू, यू विल कम टू मी टुमारो. क्या मैं कल आपके यहाँ आऊंगी? हाँ, कल आप मेरे यहाँ आएंगी. पूनम, विल आई कम टू यू टुमारो? यस ऋतु, यू विल कम टू मी टुमारो. पूनम, कल मैं आपके यहाँ आऊंगी? हाँ ऋतु, कल आप मेरे यहाँ आएंगे. सर, विल यू कम टू मी, इसलिए करवाया था कि हम बहुत कम इसका प्रयोग करते हैं, तो एकदम से जुबान से नहीं निकलता है, क्योंकि ये यहाँ पे नॉन प्रैक्टिकल है. तो एक बार इसका अभ्यास कर लेना उचित होता है. आगे से आप इसका प्रयोग इस क्रिया के साथ तो वो जमेगा नहीं, वो कैन के साथ होता है, फ्यूचर के साथ नहीं. कैन आई कम टू यू टुमारो प्रैक्टिकल होता है, लेकिन एक बार इसका अभ्यास इसलिए करा देते हैं सभी से कि अजीब है लेकिन ज्ञात होना चाहिए. वी शुड नो. दोस्तों, फ्यूचर सिंपल में एक वाक्य सिंपल सा लिख लीजिए और उसके बाद हम समाप्त करते हैं क्लास को. बनाएंगे कल प्रोसेस से, और पूनम देखेंगे कि इस क्लास में प्रोसेस से वाक्य कैसे बनता है. बहुत सिंपल सेंटेंस है और इसके पीछे जो कुछ है वो आप कल ही देख पाएंगे. सिंपल सेंटेंस, मैं इंग्लिश बोलूंगा, बोलूंगी कर लीजिए. मैं
इंग्लिश बोलूंगी, पूर्ण विराम। सारिका, इस बीच हमें ये और बता दो कि और कौन कौन से सेंटेंसेस फ्यूचर सिंपल में हैव आई गिवन यू? ओके सर। सर फोर्थ वन इज दे विल गिव देयर इंट्रोडक्शन देमसेल्व्स, वे अपना परिचय स्वयं देंगे। एंड फिफ्थ इज मैं आई विल कैच यू लेटर, मैं आपसे बाद में मिलूंगी। ये सेंटेंसेस आप चाहे तो ग्रुप में शेयर कर दें, पूनम उनको विधिवत लिख लेगी। वन नंबर वन करके टू थ्री फोर जो भी है, व्हाटएवर। सर आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड इन द ग्रुप। दैट इज वेरी नाइस, गुड, थैंक यू पूनम। यू कैन बिफोर मी, बिफोर जॉइनिंग मी शी शेयर। ओके ओके ओके, सो आई विल फॉरवर्ड दैट ऑल टू यू, इंट्रोडक्शन। सो ही सेड कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग इंट्रोडक्शन वी शुड यूज इंट्रो। या भाभी, आई हैव रिटन दिस बट आई हैव जस्ट इंट्रो ना, हाँ स्पोकन फुल, आई हैव रिटन इंट्रो and yeah. In bracket dakshan, okay. Means we have to optional. Know na ki let me haan. Clear no Renu, this is optional. Okay, hum intro bolne ke habitual hai, lekin humne bola tha kam se kam ek bar introduction bole, fir aap jati zindagi mein intro bolte rahe, so this is optional, whatever you want to speak. Ye koi grammar se nahi, it is not according to grammar, it is up to us. Conversation habit. So should we conclude? Yes. Okay, thank you, sir. Thank you, sir.